हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुक्कू वर्मा। इस वीडियो में आपको RBL बैंक के जो सुपर कार्ड है इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इसे कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद ना आने पर वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बजाज से टाई अप है इनका, RBL बैंक का ये सुपर कार्ड जो है वो मुझे मिल। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बजाज कार्ड आप बनवा लीजिए। आपका अगर बजाज कार्ड होगा तभी आप जो है सुपर कार्ड ले सकते हैं। तो सुपर कार्ड काफ़ी बढ़िया कार्ड है, ये प्री अप्रूवल है, कोई भी डॉक्यूमेंट मुझे नहीं देना पड़ा था, KYC। और आपको इसे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और आपको जो है बताने वाला हूँ। मेरी पहले ही मेरा बजाज कार्ड था, 35,000 लिमिट थी, तो 35,000 लिमिट का मुझे ये जो RBL का सुपर कार्ड है वो मिल चुका है। आपको कैसे मिलेगा तो सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा लेता हूँ। एक इस प्रकार के RBL बैंक की जो है पॉलीथीन में इस प्रकार से आता है। इसे मैं साइड से रख देता हूँ, फिर इस प्रकार से ये इस साइड से होगा और आपको लिखा होगा योर बजाज RBL बैंक सुपर कार्ड इज हियर। इस प्रकार से जो है वो लिफाफा आपको जो है मिलने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से ये लिफाफा आता है और ये इस प्रकार से सील जो है वो लगी होती है। आपको आगे साइड से बजाज और RBL बैंक का जो है टाई अप है वो लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और क्या क्या इसमें मिलने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस प्रकार से मैं इसे साइड से रख देता हूँ, तो ये कुछ इस प्रकार से ये रहेगा। तो इसे मैं जो है दिखा देता हूँ आपको। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा एड्रेस और मोबाइल नंबर जो है वो लिखा हुआ मिल जाएगा, पूरा एड्रेस और जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो, और यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर जो है वो है, कैश लिमिट 3500 है और जो लिमिट जो है कार्ड की जो 35,000 लिमिट है, और यहाँ पे हमारा कार्ड नंबर जो है वो लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये हमारा कार्ड है, तो इसे मैं निकाल लेता हूँ और आपको जो है दिखा देता हूँ मैं इसे। तो ये कुछ इस प्रकार से RBL का सुपर कार्ड है। तो इसे मैं साइड से रख देता हूँ और आपको कुछ मेन जो है बेनिफिट आपको जो बता देता हूँ। तो आपको इसमें जो लिखा गया है इसमें आपको बजाज सुपर कार्ड जो है वो मिल रहा है आपको, ठीक है। आप अगर बजाज के पहले से कस्टमर है तभी आप जो है इसका फ़ायदा जो है वो ले पाएंगे। 3,000 से अब है तो आपको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं और आपको पिन जनरेट करने के लिए RBL.com पे जाके कार्ड पिन जो है वो बना सकते हैं। पीछे की साइड से आपको जो है आपको RBL बैंक की जो एप्लीकेशन है वो आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और आप जो है उससे सारी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। कार्ड मेरा आ चुका है, ये कार्ड मुझे मेल पे तुरंत मिल गया था जैसे ही अप्रूवल हुआ था ये, और ये कोई मतलब मेल पे मिल गया और उसी समय मैंने जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। इसके मेन जो बेनिफिट है आपको इसमें का जो कार्ड का जो चार्ज रहेगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कार्ड कुछ इस प्रकार से है, पीछे से कुछ इस प्रकार से जो मिल जाएगा और आगे से जो है वो, इसे मैं इसे निकाल लेता हूँ, इसे साइड से रख देता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से ये कार्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस कार्ड की जो फीस है ये आपको प्लेटिनियम सुपर कार्ड है ये, और इसकी ज्वाइनिंग फीस है 999 प्लस 18% GST। तो ये इतना मतलब इतने रुपए चार्जेस के साथ आता है। 4,000 आपको वेलकम बोनस मिलेंगे जिसकी वैल्यू करीब 1,000 रुपए होगी, और आपको अगर 100 रुपए स्पेंड करते हैं तो आपको जो है एक बोनस पॉइंट मिलेगा, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग वैल्यू है, पॉइंट्स वैल्यू। और आपको ये जो सुपर कार्ड की जो यूजर गाइड है वो भी आपको जो है इसमें दिखा देता हूँ मैं। इसमें कई सारे कार्ड हैं, तो इसमें जो हमारा प्लेटिनियम प्लस सुपर कार्ड है ये वाला कार्ड है प्लेटिनियम प्लस सुपर कार्ड, जिसकी जो कीमत है वो 999 प्लस 18% GST है। और इसमें सारे जो ये बुकलेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें सब सारे चार्जेस जो हैं वो दिए गए हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप इसे केयरफुल होकर जो है पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो ये जो कार्ड है वो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। सबसे पहले आप कोई भी मोबाइल या कोई भी आइटम जो है वो ऑफलाइन बजाज कार्ड की मतलब बजाज कार्ड बनवा लीजिए, परचेज कर लीजिए। डाउन पेमेंट करने के बाद आप जो है परचेज कर सकते हैं, आपका जो कार्ड जो है बन जाएगा। लिमिट आपकी सिविल और आपकी इनकम पे करता है। वैसे भी बिना कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है। आप बजाज कार्ड होना चाहिए आपका, फिर आप जो है वो आपके पास कॉल ही आ जाती है या आप अपनी एप्लीकेशन से जो है वो चेक कर सकते हैं। प्री अप्रूवल जो है वो कार्ड मिल जाता है, बहुत ही इजी प्रोसेस है मुझे नहीं लगा, और काफ़ी बढ़िया कार्ड है। अगर आप 2,000 रुपये 30 दिन में आप इसे स्पेंड कर लेते हैं इस कार्ड से, तो आपको 4,000 बोनस पॉइंट मिल जाएंगे जिसे आप इजीली जो है वो रिडीम कर सकते हैं RBL की साइट पर जाके। बहुत ही मतलब 4,000 बोनस पॉइंट की वैल्यू जो है वो 1,000 रुपये रहेगी। बहुत ही बढ़िया कार्ड है ये,
ज्वाइनिंग फीस कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन उसके हिसाब से इसमें बोनस पॉइंट जो है वो काफ़ी मिल जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट पीरियड जो है वो 90 दिन का आपको जो है मिल जाएगा, 3000 से ऊपर की आप जो है ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजी। और इस वीडियो में मैंने आपको इसे अनबॉक्स करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो कार्ड जो है वो कैसे अप्लाई किया जाएगा, केवाईसी कैसे होगी, तो वो वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है इस चैनल पर। तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।